हेलो स्टूडेंट्स, आरके विज्ञान कॉलेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी जूलॉजी फर्स्ट ईयर पेपर नंबर 2 सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। सेल बायोलॉजी का सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। हम पढ़ रहे हैं सेक्शन बी के अंदर, जिसके अंदर हमने न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा, क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा है, उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, उसके मॉडल्स के बारे में पढ़ा। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, यूक्रोमेटिन और हेटरोक्रोमेटिन के बारे में, ठीक है। हेटरोक्रोमेटिन क्या होता है, हेटरोपिक्नोसिस क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेटरोक्रोमेटिन और हेटरोपिक्नोसिस क्या होता है, जब प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर माइटोसिस और मियोसिस की स्टेज चल रही होती है, माइटोसिस और मियोसिस की कुछ फेजेस होते हैं, उस स्टेज के अंदर सेल्स प्रेजेंट रहती है, तो वो क्या करती है, एक कंपाइल्ड और स्टैंड लाइक स्ट्रक्चर को शो करती है, जिसको क्या बोलते हैं, हेटरोपिक्नोसिस, ठीक है। और ये हेटरोपिक्नोसिस होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं, ठीक है। जो ये हेटरोपिक्नोसिस है, जिस क्रोमोसोम्स के जिस सेगमेंट के अंदर ये प्रेजेंट रहता है, उस सेगमेंट को क्या बोलते हैं, हेटरोक्रोमेटिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेटरोक्रोमेटिन कहा जाता है, ठीक है। इसके टाइप्स होते हैं हेटरोक्रोमेटिन के, फैकल्टेटिव हेटरोक्रोमेटिन एंड कॉन्स्टिट्यूटिव हेटरोक्रोमेटिन, ठीक है। फैकल्टेटिव हेटरोक्रोमेटिन क्या होता है, जो कि क्या होता है, यूक्रोमेटिन में चेंज हो सकता है, मतलब कि वो चेंज हो सकता है इसके अंदर, यूक्रोमेटिन के अंदर। और कॉन्स्टिट्यूटिव हेटरोक्रोमेटिन क्या होता है, जो कि कभी चेंज नहीं हो सकता, जो किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, सेंट्रोमियर के अंदर प्रेजेंट रहेगा, टीलोमियर के अंदर प्रेजेंट रहेगा, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करेगा, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे आज हेटरोक्रोमेटिन के बारे में। यूक्रोमेटिन क्या होता है, हेटरोक्रोमेटिन क्या होता है, पहले हम डिफरेंस देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यूक्रोमेटिन क्या है, जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटीरियल प्रेजेंट है, यूक्रोमेटिन मतलब कि एकदम डेंस लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है, एकदम लाइट स्टैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसकी स्टैंडिंग कितनी होती है, लाइट होती है, बहुत ही ज़्यादा लाइट होती है उसकी स्टैंडिंग, ठीक है। लाइट स्टैंड रहता है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रहता है, उसका ट्रांसक्रिप्शन किया जा सकता है। हेटरोक्रोमेटिन क्या है, हेटरोक्रोमेटिन वो है जिसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं किया जा सकता और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म में रहता है। क्या रहता है, बहुत ही ज़्यादा डेंस स्ट्रक्चर रहती है, ये क्या है, बहुत ही ज्यादा डेंस स्ट्रक्चर है। यूक्रोमेटिन क्या है, लूज स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन एब्सेंट रहता है, क्या रहता है, ट्रांसक्रिप्शन एब्सेंट रहता है। और ये है वो डार्क स्टैंड रहता है, स्टैंडिंग कैसी होती है इसकी, डार्क स्टैंड रहती है, इसकी रहती है लाइट स्टैंड। अब हम पढ़ते हैं हेटरोक्रोमेटिन के बारे में, हेटरोक्रोमेटिन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अंदर हेटरोक्रोमेटिन क्या है, प्लांट्स या फिर एनिमल्स क्या है, जब प्लांट्स सेल एंड एनिमल सेल माइटोसिस और मियोसिस की फेजेस में क्रोमेटिन फेजेस में एक कैसी स्ट्रक्चर दिखती है, एक कंपाइल जो कंपाइल हुई हुई है और स्टैंड बहुत ही ज्यादा डार्क स्टैंड, ठीक है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे क्या कहा गया, जिसे हेटरो पिक्नोसिस का नाम। वो क्रोमेटिन का पार्ट जो कि माइटोसिस और मियोसिस के टाइम पे क्या हो रहा है, एक कंपाइल और स्टैंड लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, कंपाइल और स्टैंडिंग को शो कर रहा है, तो उसको नाम दिया गया हमने, ये क्या कर रहा है, हेटरोपिक्नोसिस शो कर रहा है, ठीक है। हेटरोपिक्नोसिस शो कर रहा है, इसमें
पॉजिटिव हिट्रोपिग्नोसिस और नेगेटिव हिट्रोपिग्नोसिस। दोनों हो सकते हैं। इसके अंदर क्या है, दोनों प्रेजेंट रहते हैं, पॉजिटिव हिट्रोपिग्नोसिस एंड नेगेटिव हिट्रोपिग्नोसिस। हिट्रोपिग्नोसिस क्या है, जो माइटोसिस और मियोसिस फेज के टाइम पे क्या हो रहा है, एक कंपाइल और स्टैंड लाइन स्ट्रक्चर शो कर रहा है, उसको क्या बोला हिट्रोपिग्नोसिस। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जो पार्ट जो हिट्रोपिग्नोसिस को शो कर रहा है, क्रोमोसोम्स का वो पार्ट जो हिट्रोपिग्नोसिस को शो कर रहा है, उसको क्या बोला गया, हिट्रोक्रोमेटिन बोला गया। क्या बोला गया, हिट्रोक्रोमेटिन बोला गया। ठीक है, हिट्रोक्रोमेटिन का हिट्रोपिग्नोसिस को दिखाने वाला क्रोमोसोमल पार्ट क्या कहलाता है, हिट्रोक्रोमेटिन कहलाता है। क्या बोला है, इसको हिट्रोक्रोमेटिन बोला है, इसको जो कि जो हिट्रोपिग्नोसिस को शो करने जा रहा है, क्रोमोसोम का वो पार्ट जो हिट्रोपिग्नोसिस को शो करके जा रहा है, उसको क्या बोला है, हिट्रोक्रोमोसोम बोला गया। ठीक है, हिट्रोक्रोमेटिन बोला गया। ठीक है, अब ये हिट्रोक्रोमेटिन है वो लेंथ से रिलेटेड कैसे होता है, इसके जो फंक्शन होता है वो लेंथ से उसकी क्रोमोसोम की लेंथ से रिलेटेड रिलेट करता है। हिट्रोक्रोमेटिन की फंक्शन फंक्शन किससे रिलेटेड करता है, इसकी लेंथ से। इसकी लेंथ से रिलेट करता है। अब इसकी लेंथ से किस तरह से रिलेट करेगा, कि इसकी फंक्शन है वो उसकी क्रोमेटिन की लेंथ है, उससे कैसे रिलेट कर गया। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं, ड्रोसोफिला का एग्जांपल, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर के अंदर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है। कौन सा, वाई क्रोमोसोम। उसके अंदर क्या होता है, इसकी लेंथ क्या होती है, लेंथ ज्यादा रहती है, इसके अंदर हिट्रोक्रोमेटिन की लेंथ ज्यादा रहती है। लेकिन ये क्या शो करता है, लेंथ तो ज्यादा है इसके क्रोमोसोम की, लेकिन ये पूरा क्रोमोसोम हिट्रोक्रोमेटिन को शो कर देता है। मतलब कि ये अक्रियाशील रहेगा, मतलब कि फंक्शन शो नहीं करेगा। हिट्रोक्रोमेटिन में क्या है, ट्रांसक्रिप्शन होगा नहीं होगा, इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन एब्सेंट है। तो इसके अंदर क्या है कि ये लेंथ से कैसे रिलेट कर रहा है, इसके जो फंक्शन है वो लेंथ से कैसे रिलेट कर रहे हैं। जैसे कि ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, इसके अंदर जो वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी है, बहुत ज्यादा लंबी है। और वो पूरा क्रोमोसोम कैसा है, हिट्रोक्रोमेटिन का है। हिट्रोक्रोमेटिन का है मतलब कि क्या है, इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन होगा नहीं होगा। तो ये क्या कर रहा है कि अक्रियाशील, मतलब कि नॉन फंक्शनैलिटी को शो कर रहा है। तो इसमें ये रिलेशन बता रहे हैं कि हिट्रोक्रोमेटिन के फंक्शंस इसकी लेंथ से कैसे रिलेट करता है, वो बताया। उसके अंदर एग्जांपल ये है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर का। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल ले लिया मैस का। इसमें हम पहले देखते हैं कि ये क्या है, हिट्रोक्रोमेटिन जो कि क्या होता है, डेंस होता है, और यूक्रोमेटिन क्या है, लूज लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन ऑन है, इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ रहेगा, सॉरी, इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ रहेगा और इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन ऑन रहेगा। यूक्रोमेटिन लूज लाइक स्ट्रक्चर है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स यहाँ पर आके बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स यहाँ आके बाइंड कर सकते हैं,
यहाँ पर इतना स्पेस है कि वो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आके बाइंड कर सके। तो ये क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन ऑन रहेगी, लेकिन न्यू प्रोमेटिन में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ रहेगी। ठीक है, और जब ये प्लांट्स और एनिमल्स क्या है, माइटोसिस और मियोसिस की स्टेज में रहते हैं, फेज के अंदर एक कंपाइल्ड और स्टैंड स्ट्रक्चर होती है, कंपाइल्ड और स्टैंड स्ट्रक्चर होती है, जिसको क्या कहा गया, हेटरोपिक्नोसिस कहा गया। अब ये हेटरोपिक्नोसिस है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हेटरोपिक्नोसिस को शो करेगा, एक सकारात्मक को भी शो करेगा, नकारात्मक को भी शो करेगा। ठीक है, और जो हेटरोपिक्नोसिस में जो दिखाता है क्रोमोसोमल बॉन्ड उसको क्या बोला गया, हेटरोक्रोमेटिन बोला गया। क्या बोला गया, हेटरोक्रोमेटिन बोला गया। अब ये हेटरोक्रोमेटिन है वो लैंड से कैसे रिलेट कर रहा है, इसका फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स दिए गए, ड्रोसोफिला मेलानोब्लास्टर का, जिसके अंदर वाई क्रोमोसोम है, इसका वाई क्रोमोसोम की लेंथ क्या है, ज्यादा है, और ये क्या है, पूरा क्या है, हेटरोक्रोमेटिन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, हेटरोक्रोमेटिन को शो कर रहा है। ठीक है, तो अब हम इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जो किसका है, मेयर्स का है। क्योंकि क्या कर रहा है, लेंथ से रिलेटेड कर रहा है। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जो है मैस का, मतलब मक्के का, इसके अंदर बी क्रोमोसोम प्रेजेंट है। कौन सा, बी क्रोमोसोम प्रेजेंट है, बी नंबर का क्रोमोसोम क्या शो कर रहा है, इसके लेंथ के बारे में शो कर रहा है। इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे क्रोमोसोमल एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारे क्रोमोसोम्स के तंतु प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, प्लांट्स की स्ट्रक्चर को, मतलब कि प्लांट्स की में कोई भी स्ट्रक्चर या फंक्शंस को शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेजेंट है, बहुत सारे नंबर के अंदर प्रेजेंट है, मतलब कि इसके अंदर क्या है, बी क्रोमोसोम है, जो क्रोमोसोमल एलिमेंट्स ज्यादा नंबर में रहते हैं, बहुत ज्यादा नंबर में है, लेकिन कोई भी प्लांट्स की स्ट्रक्चर को शो नहीं करता है। ठीक है, लेकिन यह प्लांट्स में किसी स्ट्रक्चर को शो नहीं करता, स्ट्रक्चर को नहीं बताते, क्यों, क्योंकि ये क्या है, बी क्रोमोसोम क्या है, हेटरोक्रोमेटिन का मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे नंबर के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन क्या है, इसके फंक्शंस जो होते हैं वो इतना शो नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि ये हेटरोक्रोमेटिन होता है, नॉन फंक्शनल होता है, कैसा होता है, अक्रियाशील होता है। ठीक है, और हेटरोक्रोमेटिन के बारे में हम देखते हैं कहां प्रेजेंट रहता है, हेटरोक्रोमेटिन प्रेजेंट रहता है क्रोमोसोम्स के सिरों पे प्रेजेंट है, ये क्रोमोसोम है, इसके कहाँ है, एंड्स पे प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये है क्रोमोसोम के सिरों में प्रेजेंट रहता है, कहाँ प्रेजेंट रहता है, क्रोमोसोम्स के सिरों के अंदर यह है प्रेजेंट रहता है, कौन, हेटरोक्रोमेटिन। ठीक है, अब ये हेटरोक्रोमेटिन है, इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस रहती है, किससे मिलकर बना होता है, एडेनिन किससे पेयर करता है, थाइमिन से, और साइटोसिन किससे पेयर करता है, ग्वानिन से। ठीक है, इसके अंदर क्या है, या तो ये पेयरिंग प्रेजेंट होगी या फिर ये वाली प्रेजेंट होगी, तो इन दोनों में से एक पेयरिंग प्रेजेंट है,
कैसी होगी? सिर्फ एक पेयरिंग प्रेजेंट रहेगी। अगर एडिनिन थायमिन की पेयरिंग प्रेजेंट है तो पूरी हेटरोक्रोमेटिन में किसकी प्रेजेंट रहेगी? एडिनिन थायमिन के रिपीट्स प्रेजेंट रहेंगे। अगर साइटोसिन ग्वानिन के रिपीट्स प्रेजेंट है तो पूरी स्ट्रैंड्स में किसे प्रेजेंट रहेंगे? साइटोसिन और ग्वानिन के रिपीट्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, यू क्रोमेटिन में क्या होगा? यू क्रोमेटिन में एडिनिन थायमिन की पेयरिंग और साइटोसिन ग्वानिन की पेयरिंग दोनों प्रेजेंट हो सकती है। जैसे कि एडिनिन आ गया एक स्ट्रैंड के अंदर, एडिनिन आ गया, साइटोसिन आ गया, ग्वानिन आ गया, एडिनिन आ गया, थायमिन आ गया, साइटोसिन आ गया, कुछ भी आ गया। हेटरोक्रोमेटिन में क्या है? अगर एटी रिच है, एडिनिन थायमिन रिच है, तो वो पूरी स्ट्रैंड में क्या प्रेजेंट रहेंगे? मेजोरिटी यही रहेगी कि वो एडिनिन थायमिन की स्ट्रैंड्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, उसके अंदर साइटोसिन ग्वानिन ना आए। ठीक है, तो हेटरोक्रोमेटिन में क्या है? या तो वो एडिनिन थायमिन का प्रेजेंट रहेगा या फिर क्या रहेगा, साइटोसिन ग्वानिन का प्रेजेंट रहेगा। यू क्रोमेटिन में क्या हो सकता है? दोनों प्रेजेंट रह सकते हैं, चारों न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस प्रेजेंट रह सकती है। ठीक है, और हेटरोक्रोमेटिन के अंदर ये तो था यू क्रोमेटिन। अब हेटरोक्रोमेटिन के अंदर क्या है? हेटरोक्रोमेटिन के अंदर क्या होता है, ये ज्यादा स्मॉल होता है। ज्यादा छोटे होते हैं किसके कंपैरिजन में? यू क्रोमेटिन के कंपैरिजन में। नॉन फंक्शनल होते हैं क्यों? क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं करे जाते। क्या है? नॉन फंक्शनल है क्यों? क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन इसके अंदर क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, फंक्शन शो नहीं करके जा रहे हैं तो कोई फेनोटाइपिक इफेक्ट शो करेगा? नो फिनोटाइपिक इफेक्ट, मतलब कि कोई भी फिनोटाइप इफेक्ट फिनोटाइप को शो नहीं करेगा। फिनोटाइप क्या है? आउटर स्ट्रक्चर, ठीक है, जो हमें विजिबल हो रही है आंखों से। ठीक है, तो उस फिनोटाइप को, किसी भी फिनोटाइप को शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन फंक्शनल है, कोई भी फंक्शंस को क्रिएट नहीं करके जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है। और ये क्या रहते हैं? साइटोलॉजिकल साइन प्रेजेंट करते हैं। साइटोलॉजिकल स्कैनिंग का मतलब क्या है? मैंने बताया था हेटरोक्रोमेटिन कैसे रहते हैं, ज्यादा स्ट्रैंड प्रेजेंट रहते हैं, मतलब कि डेंस स्ट्रैंड प्रेजेंट, डार्क स्ट्रैंड प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं साइटोलॉजिकल स्कैनिंग को शो करते हैं। ठीक है, सबस्टेल का कार्य करते हैं जो स्पीसीज के लिए बेनिफिशियल होते हैं। सबस्टेल का कार्य करते हैं जो कि स्पीसीज के लिए बेनिफिशियल होते हैं। कैसे रहता है? स्पीसीज के लिए बेनिफिट शो करता है। अब ये जो हेटरोक्रोमेटिन है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? फैकल्टेटिव हेटरोक्रोमेटिन और कॉन्स्टिट्यूटिव हेटरोक्रोमेटिन। फर्स्ट कौन सा है? फैकल्टेटिव हेटरोक्रोमेटिन। दो पार्ट में डिवाइडेड है, फैकल्टेटिव हेटरोक्रोमेटिन एंड कॉन्स्टिट्यूटिव हेटरोक्रोमेटिन। फैकल्टेटिव हेटरोक्रोमेटिन क्या होता है? फैकल्टेटिव हेटरोक्रोमेटिन वो होता है जो कि क्या करके जा रहा है, उसको वापस यू क्रोमेटिन में चेंज कर सकता है। ये क्या कर सकता है? इसे क्रोमोसोम्स को, हेटरोक्रोमेटिन को
ये किसमें प्रेजेंट रहता है? क्रोमोसोम्स के एक युग्म के अंदर। एक युग्म को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। एक युग्म को यह चेंज हिटरोक्रोमेटिन में चेंज कर सकता है। क्रोमोसोम्स के एक युग्म क्रोमोसोम्स का जो एक युग्म होता है, मतलब कि एक स्ट्रैंड इसका क्रोमोसोम्स का होता है, उसको क्या कर सकता है ये? उसको जैसे कि एक्स एक्स है, इसका जो एक वाला फर्स्ट सेकंड वाला है उसको क्या कर सकता है? पूरा हिटरोक्रोमेटिन, मतलब कि हिटरोक्रोमेटिन में चेंज कर सकता है। इसमें कंप्लीट हिटरोक्रोमेटिन में चेंज कर सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि फीमेल्स के अंदर, मैमल्स के अंदर, मैमल्स का एग्जाम्पल देंगे किसमें? फीमेल्स का। फीमेल्स के अंदर जो जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं या फिर बॉडी वाले क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, वो कैसे शो करते हैं? टू एक्स की फॉर्म में, मतलब कि एक्स एक्स की फॉर्म में शो करते हैं, ठीक है। इसके अंदर फीमेल्स के अंदर स्टोन एसिटाइलेज ट्रांसफरेज एंड
हिस्टोन मिथाइलेज ट्रांसफरेज, इसके अंदर फैकल्टेटिव हेटरोक्रोमैटिन के अंदर, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूटिव हेटरोक्रोमैटिन ये चेंज नहीं हो सकता, ये इसे ये यूक्रोमैटिन में चेंज नहीं हो सकता। यह दोनों क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहते हैं, और कौन प्रेजेंट रहता है? सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर में कौन सा प्रेजेंट रहता है? कॉन्स्टिट्यूटिव क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। टेलोमियर, टेलोमियर में क्या रहता है? कॉन्स्टिट्यूटिव क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। थर्ड कौन सा है? ये न्यूक्लियोलस को ऑर्गेनाइज करता है। न्यूक्लियोलस के फॉर्मेशन में हेल्प करता है कौन सा? कॉन्स्टिट्यूटिव क्रोमोसोम्स हेल्प करते हैं। कौन? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन में ये हेल्प करके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोलस से रिलेटेड होता है ये कॉन्स्टिट्यूटिव क्रोमोसोम्स। पहले ये माना गया था कि ये नॉन फंक्शनल है, यूक्रोमेटिन में चेंज नहीं हो पा रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये चेंजेस नहीं हो पा रहे इसके यूक्रोमेटिन के अंदर, इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इसको फैकल्टेटिव यूक्रोमेटिन को तो क्या है, हम चेंज कर पा रहे थे, इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन हो पा रहा था, इसके अंदर क्या हो रहा था, कोई रोल नहीं था इसका। तो ये साइंटिस्ट ने क्या माना, पहले साइंटिस्ट ने इसे क्या माना, पहले से नॉन फंक्शनल मान लिया कि इसका कोई फंक्शन ही नहीं है, मतलब कि ऐसे पड़ा है। बाद में डिस्कवर हुआ कि ये क्या कर रहा है, ये पॉलीजीन्स को ट्रिएटेड ऑफ कर रहा है, किसके? न्यूक्लियोलर के, न्यूक्लियोलर के राइबोसोम्स के आरएनए है उसके पॉलीजोन्स प्रेजेंट रहते हैं। बाद में ये पता चला कि इसमें प्रेजेंट है, तो ये इनडायरेक्टली क्या करता है, इनडायरेक्टली ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में हेल्प करके जाता है। इसमें हेल्प किसे जाता है? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में हेल्प करते जाते हैं। इसमें हेल्प करके जा रहा है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में। पहले इसने क्या देखा कि नहीं नहीं इसका तो कोई फंक्शन नहीं है, ऐसी तरह से ना ट्रांसक्रिप्शन करके जा रहा है, कुछ भी नहीं करके जा रहा। बाद में डिस्कवर हुआ कि इसके अंदर पॉलीजीन्स प्रेजेंट है, जो कि राइबोसोमल आरएनए के पॉलीजीन्स प्रेजेंट है। और राइबोसोमल आरएनए किसमें यूज में आ रहा है? ट्रांसलेशन में यूज में आ रहा है, जो कि प्रोटीन्स का सिंथेसिस करके जा रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं कि डायरेक्टली इसके अंदर इसका रोल होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में कि हेटरोक्रोमैटिन कहाँ प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स में और यूक्रोमैटिन कहाँ प्रेजेंट होता है। हेटरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन के बारे में पढ़ेंगे हम कि ये हेटरोक्रोमैटिन कहाँ प्रेजेंट होता है। फर्स्ट लेवल क्रोमोसोम्स के अंदर टेलोमियर, टेलोमियर के अंदर क्या रहता है? टेलोमियर के अंदर कॉन्स्टिट्यूटिव हेटरोक्रोमैटिन प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है? कॉन्स्टिट्यूटिव हेटरोक्रोमैटिन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। फिर बाद में क्या प्रेजेंट है? इंटरकैलरी हेटरोक्रोमैटिन, क्या प्रेजेंट है? इंटरकैलरी हेटरोक्रोमैटिन प्रेजेंट, ठीक है। फिर बाद में क्या रहता है? डार्क स्टैंड के अंदर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंड प्रेजेंट है, ठीक है। फिर बाद में
आज हमारा ये क्रोमोसोम्स का हेटरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन का कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।